मैं ओम प्रकाश, आप जैसा ही इस समाज का एक साधारण सा युवक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर रहा हूं, किंतु हर बार इन कर्म कांडों को करते हुए यही प्रश्न मन में उठता है कि ओम प्रकाश, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या ये करना जरूरी है? ओम प्रकाश, क्या इन प्रश्नों के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहोगे? भारत देश उत्सवों का प्राचीनतम देश है। हर वर्ष हम बहुत से उत्सव मनाते हैं, अनेक कहानियां सुनते हैं। अनेक कर्म कांड भी करते हैं और खोए हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम शताब्दियों से विस्मृत कर चुके हैं। भारतीय त्योहारों में महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और विशेष है। अति प्राचीन समय से हम शिव की पूजा करते आए हैं, परंतु हम ये शिव की पूजा क्यों करते हैं, क्या सभी करते हैं इसलिए? इन सभी सवालों के पीछे अब तक न जाने कितने अनुष्ठान, रीति रिवाज, कर्मकांड और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से ही एक है शिकारी की कथा। शिवरात्रि का दिन था, एक शिकारी सारा दिन शिकार ढूंढता रहा। इतने में उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने तीर से निशाना साधा, परंतु आहट पाकर हिरणों का झुंड तितर बितर होकर देखते ही देखते शिकारी की आंखों से ओझल हो गया। अंततः निराश होकर उसने सोचा, शिकार के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाना उचित होगा, ताकि वो वहां आराम से बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर सके। शिकार की प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई थी और वो खाली हाथ वापस घर भी नहीं जाना चाहता था। भूख और प्यास से व्याकुल बहुत समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन दूर दूर तक शिकार का नामो निशान न पाकर वो थक चुका था। उसे नींद भी आने लगी थी, लेकिन अधिक ठंड होने के कारण
संभवतः शिकार के साथ साथ उसकी निद्रा भी कोसों दूर चली गई थी। ठंड के मारे शिकारी के कांपते होंठ शिव शिव का उच्चारण करने लगे। इसी व्याकुलता में वो वृक्ष के पत्ते तोड़ता रहा और शिकार का भी इंतजार करता रहा। संयोगवश उसी वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग था और वो वृक्ष भी बेल का था। शिकारी के हाथ से गिरता हर पत्ता शिवलिंग पर चढ़ रहा था। इतने में वहां पर एक हिरण आ पहुंचा। शिकारी ने तुरंत ही अपना निशाना साधा। शिकारी को देखकर हिरण बोला, रुको मित्र, मुझे मत मारो, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मैं अपने परिवार से विदाई लेकर आता हूं, फिर तो तुम मेरा भले ही शिकार कर लेना, ये मेरा वादा है। शिकारी ने उचित समझ उसे जाने दिया। हिरण जब अपने परिवार में पहुंचा तो वहां का वातावरण बड़ा ही आनंदमय था। हिरण ने शिकारी से किए गए वायदे की बात बताई। उस पर यह निष्कर्ष निकला, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। इधर शिकारी हिरण की राह देख ही रहा था कि इतने में हिरण वहां आ पहुंचे। शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया। ये देख हिरण ने कहा, वायदे के अनुसार अब हम आ गए हैं, यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो हम सबको मारो, हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। शिकारी को उनके भोलेपन पर दया आई और उसने उन्हें जाने दिया। सहसा वृक्ष के नीचे स्थित लिंग से शिव की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, सुनो वत्स। आश्चर्यचकित होकर शिकारी अपने चारों ओर देखने लगा और तब उसकी नजर नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ी। उसे देख शिकारी वृक्ष से उतरा और उस ओर बढ़ा जहां से शिव की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी। वो पेड़ से उतरा और शिवलिंग के समीप बैठकर ध्यान से सुनने लगा। हे वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम इतनी ठंड में भी मेरे नाम का निरंतर स्मरण करते रहे और मुझ पर बेलपत्र चढ़ाते रहे। तुमने निश्चल प्राणी पर जो दया दिखाई उससे मैं अति प्रसन्न हूं। वत्स, तुम्हारा कल्याण कल्याण कल्याण। शिव परमात्मा परम कृपालु, दयालु, सर्वोपकारी और कल्याणकारी हैं। तभी तो शिव के मंदिर समस्त भारत और पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र में सागर के निकट स्थित है। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा। ऐसी जनश्रुति है कि चंद्रमा को इस स्थान से ज्योतिर्मय परमात्मा द्वारा तेज प्राप्त हुआ था। और दूसरी ओर सोम का अर्थ है अमृत। कल्याण और सुख के स्रोत परमात्मा के ज्ञान अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है और मानव दिव्य बुद्धि से प्रकाशमान हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा और स्नेह से अभिभूत होकर भक्तों ने यहां पर भगवान सोमनाथ की स्थापना की। सोमनाथ के समीप ही द्वारका में एक और ज्योतिर्लिंगम है जिसे कहते हैं नागेश्वर नागनाथ। शिव भक्तों की श्रद्धा व विश्वास के केंद्र इस मंदिर की पृष्ठभूमि में
पौराणिक गाथाएं प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक शिव मंदिर में पंचमुखी नाग शिवलिंग पर देखने को मिलता है। नागों को भी नाथने वाले भगवान शिव ही हमें नाग पाश से मुक्त करते हैं। यही नागेश्वर महादेव की महिमा का रहस्य है। अब आइए चले हिमालय की ओर। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत की उत्तुंग श्रृंखलाओं की गोद में अवस्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्मठों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। केदारेश्वर शिव के दर्शन की अभिलाषा लेकर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव भक्त बड़ी दुसाध्य यात्रा कर इस ऊंचे मंदिर तक पहुंचते हैं। ये इस बात का संकेत है कि परिश्रम का फल मधुर होता है, और वो भी यदि सच्चे मन से आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु किया जाए तो निश्चित ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हम उनसे सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। इसी भावना को प्रतिपादित करता केदारेश्वर ज्योतिर्मठ भी हमें ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के प्रति स्नेह और श्रद्धा से भर देता है। अब हम चलते हैं हिमालय से उत्तर प्रदेश की ओर। भगवान शिव का महात्म दर्शाने वाले द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बनारस स्थित विश्वेश्वर महादेव का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वारुणी और असी नदियां गंगा में जहां मिलती है उसे वाराणसी नगर कहते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप शिव संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे सर्व धर्म वालों के भी पारलौकिक परम पिता हैं। सभी धर्मों के लोग परमात्मा को ज्योतिर्मय प्रकाश रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। निराकार परमात्मा को भक्त सहज रूप से याद कर सके, इस हेतु उनकी शिवलिंग रूप में भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश से अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भारत की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगम है। कालों के काल महाकालेश्वर परमात्मा शिव अपने वत्सों पर कृपालु होकर अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकालेश्वर कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसका सामना हर एक को करना ही पड़ता है। किंतु महाकालेश्वर शिव परमात्मा से आत्मज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्मा भय से मुक्त हो जाती है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त अमृत्व का उपहार ही यादगार है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ही ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का अस्तित्व भी अलग अलग है, परंतु इन्हें एक ही समान महत्व और मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा मानधाता ने शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने की प्रार्थना की थी। वास्तव में जहाँ एक ओर ओंकारेश्वर ओम स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा शिव का ही नाम है, वहां दूसरी ओर अमलेश्वर भी मल रहित निर्मल निष्पाप बनाने वाले ईश्वर का ही स्मृति स्थल है। ओंकारेश्वर या अमलेश्वर
ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव से सर्व संबंध जोड़कर मनुष्य आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है और परमानंद की अनुभूति करती है। महाराष्ट्र के नासिक जनपद में गौतमी नदी पर दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना अनोखा रूप धारण किए हुए हैं। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर त्र्यंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर के संबंध में प्रचलित रोमांचकारी कथा का आध्यात्मिक रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाले ईश्वर। वास्तव में साधारण नेत्रों से जो बातें नहीं देखी और समझी जा सकती हैं, उन्हें दिव्य नेत्र से ही देखा और समझा जा सकता है। यही शिव का तीसरा नेत्र है, जिसके खुलने मात्र से ही काम क्रोध जैसे महाशत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में ही औरंगाबाद के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट ज्योतिर्लिंगम शिव को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पार्वती ने कुमकुम केसर और शिवालय का जल लेकर जब हाथ पर घर्षण किया तो उसे शिवलिंग का निर्माण हुआ और दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इसलिए यह तीर्थ स्थल घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में यह घर्षण ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन एवं निरंतर प्रभु स्मरण के अभ्यास का प्रतीक है। जिस प्रकार रस्सी के घर्षण से पत्थर पर भी निशान बन जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करते करते बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। घृष्णेश्वर के निकट ही एक और ज्योतिर्लिंगम है, परली वैद्यनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भगवान वैद्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति स्वरूप परमात्मा वैद्यों के भी वैद्य, परम चिकित्सक है। व्यक्ति का रोग जब असाध्य हो जाता है तो प्रभु स्मरण की शरण में आता है। जब संसार के सारे वैद्य सफल नहीं हो पाते हैं तो परम वैद्य परमात्मा स्वयं अवतरित हो सभी का रोग कष्ट मिटा देती हैं। इसीलिए परमात्मा को अमृतेश्वर और नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। नीलकंठ इसलिए क्योंकि संसार के विषय सागर से विष स्वयं ग्रहण कर भगवान भक्तों को विष से मुक्त कर देते हैं। परली वैद्यनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक और ज्योतिर्लिंगम भीमा शंकर। पुणे के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर एक अहंकारी राक्षस था, जिसको भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा हराया। इसका भावार्थ है कि मनुष्य आत्माएं जब अहंकार के वशीभूत हो माया से परास्त हो जाती है, तब सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमात्मा अवतरित हो जगत को इन अंतर मन की आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कराते हैं। आइए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंगम है। कई तलों का बना हुआ ये ऊंचा शिव मंदिर जीवन को उच्चता प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है।
मल्लिक का एक अर्थ है बेला सदृश एक अति सुगंधित और श्वेत वर्ण का पुष्प। वास्तव में सच्चिदानंद भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है, क्योंकि सत्य रूप भगवान इस सृष्टि के बीज रूप मंगलकारी और अति सुंदर है। इसी सुंदरता और सत्यता के मेल से ये प्रसिद्ध शिव मंदिर जन जन की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश से अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंगम है। कहा जाता है कि राम ने रावण पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। बहुत से हिंदू पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि श्री राम ने भी शिव की पूजा की। इससे मनुष्यों के साथ देवों का भी परमेश्वर शिव में अगाध स्नेह एवं अपूर्व भक्ति का संकेत मिलता है। ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, वही महेश्वर हैं और परमेश्वर भी। इस यात्रा के मध्य हमने देखा कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के हर नाम में महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है, जो कि शिव परमात्मा की पहचान, उनके गुणों और उनके कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करते हैं। और हम अपना कर्तव्य उनकी पूजा अर्चना करके प्रत्यक्ष करते हैं। पर क्या हम इन कर्म कांडों की माला में पिरोए गए ज्ञान मोतियों को भी पहचानते हैं? जल से परिपूर्ण कलश के भीतर से निकलती हुई हर बूंद शिवलिंग का अभिषेक करती हुई इस बात को सिद्ध करती है कि मन के तार निरंतर परमात्मा से जुड़े रहे, ताकि आत्मा ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होती रहे। शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला दूध, दही, जल आदि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शिव की स्मृति के लिए मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता अति आवश्यक है। आग का फूल, धतूरा और विशेषकर बेलपत्र का शिवलिंग पर चढ़ाया जाना मानो एक एक करके अपने दुर्गुणों, व्यसनों और बुराइयों को पतित पावन शिव पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर चंदन की 3 रेखाएं और उनके मध्य में अंकित बिंदु, ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता होने का परिचायक है। शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, विष्णु द्वारा उसी सतयुगी सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा कलयुगी पतित सृष्टि का महाविनाश कराते हैं। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जी से जनरेशन अर्थात ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, ओ से ऑपरेशन अर्थात विष्णु द्वारा पालना और डी से डिस्ट्रक्शन अर्थात शंकर द्वारा महाविनाश। जब शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, तब शिव और शंकर एक कैसे? वास्तव में शिव और शंकर में महान अंतर है। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जबकि शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता है, जबकि शंकर तो
उनकी ही एक रचना है। परमात्मा शिव सूर्य चांद से परे परम धाम के निवासी हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। परमात्मा शिव सर्व के कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर तो विनाशकारी हैं। शिव के मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता है, शंकर मंदिर नहीं। इसीलिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्बिंदु शिव का प्रतीक शिवलिंग पाया जाता है, शंकर की प्रतिमा नहीं। त्योहारों में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि पर्व नहीं। शिव के मंदिरों को शिवालय भी कहा जाता है, शंकरालय नहीं। प्रायः चित्रों में शंकर जी को अपने इष्ट के ध्यान में मग्न दिखाते हैं, तो आखिर वो इष्ट कौन? जब इन दोनों के नाम, रूप, धाम और कर्तव्य अलग अलग हैं, फिर दोनों एक कैसे? अब आप सोचेंगे कि इन आध्यात्मिक बातों का इस आधुनिक जगत से क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि आज का व्यक्ति भौतिकता की मृग तृष्णा में जीवन का शाश्वत सुख खोज रहा है। वो अपना संबंध मायावी चकाचौंध से जोड़ चुका है। वो अपनी गौरवशाली संस्कृति को भूलकर विकृत संस्कृतियों का अंधानुकरण कर रहा है। जबकि कहा जाता है श्रेष्ठ समाज का आधार स्तंभ है वर्तमान का युवा, तो क्या आज का युवा वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? प्रायः देखा जाता है कि आज युवा फैशन के आकर्षण में लिपटा अपने अस्तित्व को ही भुला चुका है। वो व्यसनों के जाल में उलझा सिगरेट के धुएं में अपनी जिंदगी खाक कर रहा है और सिनेमा संसार में खोया अपना समय, शक्ति और संपत्ति नष्ट कर रहा है। ओम प्रकाश भी इस समय टीवी चैनलों की भीड़ में अपने आत्मिक संतुष्टि को ढूंढ रहा है। रिमोट के बटन दबा दबा कर चैनल बदल बदल कर भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, तुम कहां हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा कौन सी है? क्या तुम भी अपने दोस्तों की तरह अपने अमूल्य जीवन का समय, शक्ति और संपत्ति नष्ट करना चाहते हो? तुम ऐसे संसार में कदम रखने जा रहे हो जो मायावी है, जिसमें झूठ, छल, कपट और भ्रष्टाचार भरा है। क्या इन सब का सामना करने के लिए तुम तैयार हो? इतने में ओम प्रकाश को एक अलौकिक अनुभूति हुई। ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश, ये लाइट कहां से आ रही है? क्या अद्भुत प्रकाश, कितना विचित्र अनुभव। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं, प्रेम का अनुभव कर रहा हूं, शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओम प्रकाश समझ न सका कि यह सब क्या हो रहा था।
इतने में ओम प्रकाश की मां ने प्रवेश किया। उसे सोच में डूबा हुआ देख उसका कारण पूछा। ओम प्रकाश असमंजस में था कि वो उस अनुभव को कैसे व्यक्त करे। मां समझ गई और सांत्वना देते हुए एकांत में चलकर उसे मेडिटेशन की सलाह दी, जिससे वो अपने अनुभव का रहस्य जान सके। मां ने उसे राजयोग का महत्व समझाते हुए बताया कि युवा तो क्या, आज सारा संसार ही चिंतित, तनावग्रस्त और दिशाहीन है। केवल राजयोग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। ये सारी बातें ओम प्रकाश ध्यान से सुनता जा रहा था और उसे उत्सुकता भी हो रही थी कि मां उसे कहां ले जा रही है। फिर आगे मां ने बताया कि राजयोग से मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर होती है, चित्त को चैन प्राप्त होता है और व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पाकर कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। ध्यान की गहराई में उतरी हुई आत्मा परमात्मा का साक्षात अनुभव भी करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय वत्सों, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं सत धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं। मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव तुम सर्वात्माओं का परम पिता हूं। वर्तमान समय जब सभी मनुष्य आत्माएं स्वयं को और मुझ परमात्मा को भूल काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के वशीभूत हो दुखी अशांत और पतित हो जाती हैं, तब मैं परम धाम से आकर तुम्हें सहज गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देता हूं तथा समस्त मनुष्य आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देता हूं। मीठे बच्चों, स्वयं को देह से भिन्न आत्मा निश्चय करो और मुझ पारलौकिक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुमने जन्म जन्मांतर से मेरी भक्ति की है, उसी भक्ति का फल मैं ज्ञान के रूप में प्रदान कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। इसी माध्यम से मैं सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूं, जो तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। अतः योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र। इस प्रकार ओम प्रकाश को अपने मन में उठते प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ऐसे अनेक ओम प्रकाश प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जा रहे सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा अपने जीवन को सुख और शांतिमय बना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जन कल्याण एवं विश्व शांति हेतु कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव ने स्वयं की है।
जिसका नेतृत्व प्रभावशाली ढंग से प्रेरणा स्वरूप अलौकिक प्रतिभा की धनी परम आदरणीय रत्न प्रभा राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी सफलता पूर्वक कर रही हैं। जाति और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर निष्प्रिय भाव से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में फैली ये संस्था जन जन का कल्याण कर रही है। तो आइए हम भी प्रेम से आपसी भाईचारा बढ़ाएं और सारे विश्व में शांति फैलाएं। धन्यवाद।